वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन हम देखेंगे यहाँ पे सलमा वाज एक्साइटेड अबाउट दिस समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग जो सलमा है बहुत ही एक्साइटेड थी समर कैंप्स को लेके जो अटेंड करने वाली थी सी हैड गॉन टू विजिट मनाली वो जो कहाँ जा रही थी मनाली में कहाँ पे इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हर क्लासमेट्स अपने क्लासमेट्स के साथ सिर कोल्ड हाउस प्राइज सी वोस टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब हायर एंड हायर वहाँ पे वो लैंडफॉम्स के चेंजेस देख रही थी ऑल्सो इन नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस थे जैसे उसके बस क्लाइम अप हो रही थी हायर एंड हायर द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंपरा कॉम्प्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसपियर वो देख रही थी कि टीप जंगल्स में जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर साल और जो टीक के ट्रीज़ हैं वो डिसपियर होते जा रहे थे स्लोली धीरे धीरे सी कुड सी टोल ट्रीज अब वो वहाँ पर टोल ट्रीज़ देख रही थी विथ थिन पॉइंटेड लीव्स जिनके जो लीव्ज हैं वो थिन्े एंड कम कौन शेप कैनो पाइज ऑन दी माउंटेन स्लोप्स और जाउंटेन स्लोप्स थे वहाँ पर जो लिवज हैं उनकी शेप कैसी होती जाती कौन शेप में सी लर्न दैट तो वो वर कोनी फॉरेस्ट ट्रीज उसने कभी पढ़ा था कि वो कौन सी फॉरेस्ट है कॉनी फॉरेस्ट के आपने भी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज के बारे में इट मीन्स जो कि जिसकी पत्तियाँ नुकीली हैं जो माउंटेन्स पे मिलती हैं कौन टाइप में है वहाँ पे इसको हम शंकुदारी वृक्ष जो है वो कह सकते थे सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टाल ट्रीज जो लंबे लंबे ट्रीज हैं वहाँ पे उसने नोटिस किया कि जो उनके जो लीव्स हैं वो कैसे हैं रेड रेड वर्दी रोड इनका क्या नाम है रोडे डेंड्रोन के फूल थे ये रोडे डेंड्रोन के फ्लावर्स थे ये जो बिल्कुल ही ब्राइट थे फ्रॉम मनालीस एस सी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास सी शा दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड शो स्नो इन सम प्लेसिस जैसे वो रोहतांग के पास जा रही है वो देख रही है कि रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि जो लैंड है वो छोटी 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 घास से और कुछ थानों पर वहाँ पर क्या है स्नो बर्फ़ से ढकी थी फ्राम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस वी सरमाइज दैट देर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड दी करैक्टर ऑफ वेजिटेशन सलीम मान लें जो ऑब्जर्वेशन किया जो अवलोकन किया उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं सरमाइज़ कर सकते हैं कि जो लैंड की जो हाइट है और जो वेजिटेशंस की जो क्वालिफिकेशन से विशेषताएँ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है संबंधित है क्लोज रिलेशंस है उनमें विद द चेंज इन हाइट जैसे ही हाइट में चेंज आता है विद द क्लाइमेट चेंजिज क्लाइमेट चेंज हो जाती है एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन और इससे जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाती है द ग्रोथ ऑफ़ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन जो वेजिटेशन की ग्रोथ हो किसके ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड मोइस्चर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल्स इसमें ये फैक्टर्स भी काउंट होते हैं स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोयल द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस जगह जगह इनके जो टाइप्स हैं थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैं ये चेंज हो जाती हैं क्यों बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स क्योंकि हमने जहाँ पे ऊपर अभी फैक्टर्स देखे थे जैसे क्लाइमेट में चेंज होता है हाइट में चेंज होता है टेम्परेचर मॉइस्चर में चेंज हो जाता है थिकनेस ऑफ सॉइल तो उस वजह से ये फैक्टर्स काम करते हैं नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन टी थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको मोटे रूप से आ, थ्री कैटेगरीज में यहाँ पे कंक्लूड किया गया है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अब यहाँ पर थ्री कैटेगरीज देखेंगे फर्स्ट है फॉरेस्ट जंगल विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लैंटीफुल टू स्पोट अ ट्री कवर जो वृक्षों के लिए यहाँ पे टेम्परेचर और परिपूर्ण यहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं इट मीन्स कहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हो और रेनफॉल हो पर्याप्त डिपेंडिंग अपॉन तीज फैक्टर्स इन फैक्टर्स भी डिपेंड है डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन डेंस होते हैं बहुत ही सघन और ओपन खुले वन यहाँ पे विकसित होते हैं इन फैक्टर्स के बेस पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल सेकेंड है ग्रासलैंड जो घास थल है वो विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन ये कहाँ पे होते हैं जहाँ पे मॉडरेट इट मीन जो मध्यम बारिश है वाले रीजंस में ये विकसित होते हैं ग्रास लैंड्स थर्ड है आपका शब्स सब्स होते हैं जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो थ्रोनी सब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन दी ड्राई रीजन्स ये जो कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ हैं ये केवल ड्राई रीजन्स में आते हैं सलीमा आवाज शेयर रिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर जो सलीमा है उसने अपने हिमालय की यात्रा का जो एक्सपीरियंस है अपने फादर के साथ शेयर किया हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन वर्ल्ड उनके फ़ादर ने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे विजिट की है ही टोल्ड सलीमा उन्होंने सलीमा को बताया अबाउट हिज ऑब्जर्वेश्स ऑफ द वैराटी ऑफ वेजिटेशन की उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया वैराइटी ऑफ वेजिटन्स को लेकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट कॉन्टिनेंस के डिफरेंट पार्ट्स में ही मैंसंस अबाउट कॉनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट उन्होंने संकुधारी वनों के बारे में बताया इन द सब पोलर रीजन्स जो सब पोलर रीजन्स के ऊपर होते हैं थ्रोनी बसेज इन द डेजर्ट्स डेजर्ट्स में जो थ्रोनी बसीज़ होती हैं उनके बारे में कांटेदार झाड़ियों के बारे में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द होमिड रीजन्स एंड मैनी मो इन सब के बारे में उन्होंने सलीमा को बताया सलीमा रिलइज द हिमालज हैराइटी ऑफ वेजिटेशन सलीमा ने रिलइज़ किया कि जो हिमालय है वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी वेराइटीज़ मिलती हैं वेजिटेशंस की विच वन कैन सी वाइल्ड मूविंग फ्राम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन्स जो उसने देखी जो उसकी बस मूव कर रही थी इक्वेटर से पोलर रीजन्स की साइड में द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ओक्योर मेनली जो चेंजेज हैं नेचुरल वेजिटेशन में किस में ओक्योर करते हैं वो मेनली बिकॉज चेंजिज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो क्लाइमेट है जो जलवायु उसकी कंडीशंस में चेंज होने की वजह से लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस इन वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में हम अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन को देखेंगे उनके फीचर्स देखेंगे ऑल्सो वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेंस देर ये चीज़ें हम देखेंगे देखिए आपकी साइड में डू यू नो लिखा हुआ है डू यू नो हम आप में पढ़ेंगे एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक्स इन दाउंड इज द ट्रॉफिकल रेन फॉरेस्ट इट कैन किल एस इट अ लार्ज एनिमल सच एज अकोडाइल एनाकोंडा स्नैक के बारे में बताया गया है इसके ऊपर लिखा हुआ है द एवर ग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनमर दैट इट इज़ लाइक द लंग लंग्स ऑफ दी अर्थ ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है ठीक है अब हम फॉरेस्ट देखेंगे क्योंकि हमने थ्री ट्राइप्स ऑफ वेजिटेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था फर्स्ट हमने फॉरेस्ट देखा था तो यहाँ पर फॉरेस्ट देखेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिज फॉरेस्ट और ऑल्सो कॉल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट